हाँ हेलो दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, घर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स क्या क्या हैं उसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले, यदि आपने बना बनाया घर लेना है या फ्लैट में जाना है या किसी और तरीके का घर लेना है, बना बनाया लेना है, तो आपके पास जो चॉइस है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन यदि आपने प्लॉट लेके मकान का निर्माण करना है तो फिर आपके पास बहुत वाइड चॉइस हो जाती है। सो यदि मैं आज की जो वीडियो है, आज मैं प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करके मकान बनाने की बात करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्लॉट खरीदते हैं और प्लॉट खरीदने के बाद उस पर घर बनाते हैं। सो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ प्लॉट की लोकेशन। जब भी आप घर के लिए प्लॉट खरीदने चलो, इंडिपेंडेंट घर बनाना चाहो तो प्लॉट खरीदने के लिए निकलते हो, तो सबसे पहले प्लॉट की लोकेशन देखनी है हमने। प्लॉट की लोकेशन यदि तो आप पहले ही जो ऑलरेडी डेवलप्ड कॉलोनी है उसमें जाओगे तो उसमें तो प्लॉट गिनती के ही होंगे, गिने चुने प्लॉट ही रहते हैं। लेकिन यदि आप नई कॉलोनी में जाते हो तो वहाँ पर आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको कॉर्नर का प्लॉट चाहिए, आपको फेसिंग पार्क प्लॉट चाहिए, आपको बड़ी रोड का प्लॉट चाहिए, आपको किस तरीके का मुंह होना चाहिए उसका, उस तरीके का प्लॉट मिल जाएगा। सो यदि आपने बिल्टअप में लेनी तो आपके पास चॉइस नहीं, जो वहाँ अवेलेबल होगा वही आपको मिलेगा। तो फिर आपने पुरानी कॉलोनी या नई कॉलोनी में अपने हिसाब से प्लॉट को सिलेक्ट कर लेना है, पसंद कर लेना है। उसके बाद आता है रजिस्ट्री का इंतकाल या टाइटल ट्रांसफ़र की बात आती है। तो भाई जब रजिस्ट्री इंतकाल और टाइटल ट्रांसफ़र की बात आती है तो भी हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा कि जो प्लॉट हम ले रहे हैं वो अप्रूव्ड कॉलोनी में है या अनअप्रूव्ड कॉलोनी में है। यदि अनअप्रूव्ड में कॉलोनी में है तो हिस्से में रजिस्ट्री होगी, यदि अप्रूव्ड कॉलोनी में है तो नंबर के साथ रजिस्ट्री होगी। अनअप्रूव्ड कॉलोनी में किसी हद तक उसमें थोड़ा रिस्क भी रह सकता है, लेकिन यदि अप्रूव्ड कॉलोनी है, अथोराइज कॉलोनी है, तो उसमें रिस्क कम हो जाते हैं। तो उसके बाद आपने जो टाइटल दिया उसकी रजिस्ट्री करवा ली, इंतकाल करवा लिया, टाइटल ट्रांसफ़र आपका हो गया। उसके बाद आपका आता है निर्माण करने का। निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले बहुत ही बेहतरीन नक्शा बनाना पड़ेगा। जो आदमी अपने मर्जी का नक्शा बना लेता है और बड़ी नक्शा बनाने में एक्सपर्ट है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा ही अच्छे तरीके से डेवलप करता है, अच्छे तरीके से ही प्रॉपर्टी में जान डाल देता है। मैंने पहले भी कहा था कि हमने कोई प्रॉपर्टी ली 35 लाख रुपए की, 35 लाख की प्रॉपर्टी लेने के बाद दलाल आता है कि आपको 45 लाख रुपए हम दे देंगे, लेकिन हमने उसको 2-3 दिन बाद जब बुलाया तो हमने अपना नक्शा बना के उसके सामने रखा तो वो प्लॉट का रेट, जो प्रॉपर्टी का रेट 45 लाख रुपये लगा रहा था, 2 दिन के बाद उसने 85 लाख रुपये रेट लगा दिया। ये नहीं कि हम वो मेरे को लूटना चाहता था या हम उसको लूटना चाहते, हम लूटना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे को नॉलेज थी कि नक्शा कैसे बनाना है, मेरे को नॉलेज थी कि उसमें कैलकुलेशन क्या आएगी, मेरे को नॉलेज थी कि ये इसकी सेल कितनी आ जाएगी। जब मेरे पास ये कैलकुलेशन थी तो मेरे को मूर्ख बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सो ये बात नक्शे में। फिर आगे आपने देखना है, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई किसी वहम को मानते हो, मतलब किसी उसमें चलते हो, ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन यदि आपने घर बनाना है तो आप वस्तु शास्त्र वगैरह देख लो। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता, आपके लिए ये कहता हूँ कि आप वस्तु शास्त्र के लिए, क्योंकि मेरे पास भी पीछे प्रदीप धून अपने हरियाणा के काफ़ी सीनियर बंदा है, इन्वेस्टर भी है, तो वो आया, वो मेरे को कहने लगा सर आप इस घर को छोड़ दो, चाहे किराए पे और कहीं चले जाओ। मैंने कहा क्या बात है, कहते ये साउथ फेसिंग है, टी पॉइंट पर है, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें गिनाई। तो मतलब यदि ये मैं मकान, ऐसा मकान किसी को बेचना हो तो इसमें 100 नुक्स निकालेंगे। और आप जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि वो प्रॉपर्टी आपको इस एंगल से खरीदनी चाहिए कि आपने उसमें से भी प्रॉफिट ढूंढना है, उसको भी आगे बेच सकते हो। वैसे भी चलो प्रॉफिट की बात बात की है, यदि कोई हर आदमी
तरक्की चाहता है। आज आप 100 गज का घर ले रहे हो, 100 गज का प्लॉट ले रहे हो, कल को 150 गज का लोगे, 200 गज का लोगे, 250 का लोगे, 500 का लोगे, इसी तरीके से हम तरक्की करते जाते हैं। हमारा एक सिस्टम बना हुआ कुदरत की तरफ से कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आपके पास 150 गज का आज प्लॉट ले लिया और उसमें नक्शा बढ़िया ना बना, तो वो हर एक आदमी आएगा उसको निगलेक्ट करके चला जाएगा, उसको रिजेक्ट करके चला जाएगा, तो आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। यदि आपका घर नक्शे के तौर पर बहुत बढ़िया है तो चाहे पुराना भी हो तो भी चल जाए, तो भी चल जाता है, क्योंकि जो पुराना घर होता है उसको रेनोवेट कर लेते हैं बंदे। जब नक्शा बनाना है तो उसमें हर चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि इसमें विंडो कहाँ रखनी है, वाशरूम कहाँ रखने हैं, क्या वाशरूम में नेचुरल लाइट आती है या नहीं आती, हवा की क्रॉसिंग है या नहीं है, लाइट जाने के बाद कमरे में अंधेरा तो नहीं होता। तो इन सभी बातों का हमने ध्यान रखना है, हमने इन बातों का ध्यान रख के ही ये मकान बनाना है। कहीं भी कोई गलती हो जाए तो हर रोज़ आपको वो गलती चुभेगी और आपकी पीस ऑफ माइंड को ख़राब करेगा। सो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि नक्शा बहुत बढ़िया तरीके से बनाना है। अगला जो बजट है, आपने जब मकान बनाना शुरू करना है तो आपने अपने पैसे जितने भी मकान पर लगने हैं उस पैसे को आपने अपने पास रखना है, बैंक में, घर में, जहां मर्जी। क्योंकि जब हमारा मकान बनना शुरू हो जाता है, यदि कहीं भी स्पीड टूट जाए तो वो लेबर के खर्चे, कुछ और तरीके के खर्चे उसमें बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब जितनी छेती हो सके उसको निपटाना है, जितनी जल्दी हो सके उसको बीच में लटकाना नहीं है। बजट क्या है? अब जो पहले तो मैं ये समझता हूँ, इसमें हम आइडियल साइज देखें। आइडियल साइज ये रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल में 1/2 आता है। 1/2 का मतलब यदि आपके प्लॉट की लंबाई 50 फुट है तो उसकी चौड़ाई ये जो 25 फुट होनी चाहिए। ज़्यादा आइडियल साइज हमारे मोहाली में जो चलते हैं 30x60 के चलते हैं, 50x90 का चलता है, 45x90 भी चलता है, 36x75 चलता है, इस तरीके का ये साइज। मतलब यदि आपका प्लॉट का जो साइज़ है वो 1/2 हो तो रेजिडेंशियल में बहुत आइडियल साइज माना जाता है, और यदि कमर्शियल में हो 1/4, जैसे मोहाली में हमारे शोरूम का रेट है, साइज़ है 16.5x66 1/4, 15x60 का बढ़िया माना जाता है, 10x9x30 की दुकान भी मानी जाती है बढ़िया। चलो वैसे 10x30 ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, 10x25 की पसंद करते हैं। तो मतलब ये है कि इसका साइज़ आइडियल होना चाहिए। आइडियल साइज़ होगा तो आपको घर बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और आपको जहाँ जहाँ वाशरूम रखने हैं, जहाँ जहाँ आपने उसमें क्रॉस वेंटिलेशन देना है, वो चला जाएगा, उसमें प्रॉपर आ जाएगा। कहीं ऐसा होता है कि 20 फुट लंबा है, 20 फुट चौड़ाई है और 100 फुट लंबा है, तो उसमें आपको मज़े नहीं आएगा। आइडियल साइज ये है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या कैसे मतलब आपने कैसा प्लॉट पसंद किया हुआ है, कैसा नहीं किया। इसके बाद बजट आ गया। बजट जो है रेजिडेंशियल में, जो मैं समझता हूँ 1200 रुपये से लेके 2500 रुपये तक स्क्वायर फिट इतना खर्चा आता है। सपोज़ ये हम 30x60 का प्लॉट बना रहे हैं, ये 30x60 का 1800 स्क्वायर फिट हो गया, 1800 स्क्वायर फिट, और हमने आगे पीछे थोड़ी जगह छोड़नी है, 1500 हो गया। 1500 को यदि 1200 से मल्टीप्लाई करो तो आपका मिनिमम कॉस्ट है जो 1800000 रुपये आएगी, और इसके ऊपर जैसे भी जैसे आपको 2000 रुपये लगाना है तो आपको 1500 × 2000 करोगे तो 3000000 रुपये भी हो जाएगा, 25 से करना है 3700000 रुपये भी हो जाएगा। मतलब जैसे हम घर से निकलते हैं, बाज़ार जाते हैं, शर्ट पसंद करते हैं, 100 रुपये से लेके 5000 रुपये तक शर्ट मिलती है, उससे भी ज़्यादा मिलती है, महंगी मिलती है। आपने अपने हिसाब के साथ इसका जो बजट है वो बना लेना है। ये मतलब कम से कम 1200 से कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हो चुकी है, महंगाई में 1200 से कम तो ये मान के चलो भी होगा ही नहीं काम। 1200 से लेके 2500-3000 तक ये जा सकता है। तो मैंने तो एवरेज सा लगा दिया है कि यदि आपका 2500 रुपये स्क्वायर फुट में हो और 1500 स्क्वायर फिट आपने उसमें लेंटर डालना है, तैयार करना है, तो आपका 3700000 रुपये सिंगल स्टोरी पर लगेगा, और उसमें यदि आपने बेसमेंट बनाई है तो उसका अलग खर्चा रहेगा।
फर्स्ट फ्लोर पे फिर खर्चे कम होते चले जाते हैं, क्योंकि नीचे बहुत पैसा लग जाता है जब नींव वगैरह डालते हैं तो बहुत खर्चे लगते हैं। तो अब आ गया कमर्शियल, ये कमर्शियल वाला था। कमर्शियल में जो आज से लेके 800 से लेके तकरीबन 1200 रुपये तक, ये कमर्शियल का पर स्क्वेयर फिट का, यदि आपका 15x60 का है, 100 मतलब 900 स्क्वेयर फिट का है, तो ये मान के चलो यदि 1000 रुपये भी लग जाएगा, 1000 रुपये स्क्वेयर फिट भी लगाएं तो 900 × 1000, ये 900000 रुपये में आपका एक सिंगल स्टोरी शोरूम तैयार होगा। थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फुर्ती से चुस्ती से ये चीज़ बनाते हो। तो ये सिंपल बात ये थी कि आज का जो टॉपिक था ये घर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट टिप्स, ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर बंदे का सपना है कि मैं घर बनाऊं, अपना लिए घर बनाऊं, अपने लिए छत हो, ताकि हमें किराएदार का लेवल हमारे पास जो लगा टैग लगा है वो उतर जाए। तो जब आपने घर बनाना है तो इन बातों का आप ध्यान रख लोगे तो आपके साथ कोई ठगी वगैरह नहीं होगी, और आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो मेंटेन रहेगा, आपका आर्थिक नुकसान नहीं होगा, आपका सामाजिक नुकसान नहीं होगा। आज के लिए इतनी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इस पर चर्चा करना, सवाल हो कमेंट बॉक्स में, नए टॉपिक और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया घंटी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द आपके सामने होऊंगा, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।